तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। इन्फोसिस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.06% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1369 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1352, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1330, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक है अगेन 1305 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिलेंगे एज ए नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक पर रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1382 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1406, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1453, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1517, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1608 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1668 तक के लेवल से यहाँ पर देखने मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।